हाय फ्रेंड्स, चेतनाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटन रेसिपी। आज हम बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी मटन फ्राई बनाएंगे। तो ये देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने लगभग 1.5 किलो मटन लिया है, तो ये बिल्कुल ताज़ा मटन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनाएंगे। हमारी इस रेसिपी को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और मुझे आपके कमेंट मिले तो शायद मैं अब की बार आपकी हर शिकायत दूर करूंगी। इसके लिए मैंने ये मटन लिया है, ये मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और ये मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, ये मैंने नमक लिया अपने टेस्ट के हिसाब से, 1.5 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ली है और लगभग 3 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने 2 प्याज जिसको कट कर लिया है और ये मैंने 2 ही टमाटर लिए हैं जिसको मैंने कट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मटन को धोते हैं। तो मटन को धोने की बात ये है कि हम मटन को लगभग 4-5 बार अच्छे पानी में धोएंगे। अच्छे पानी में दोनों हाथों से अच्छे मसल देंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें मसलना है ताकि जो इसका वेस्ट की जो चीज़ है वो बाहर निकल जाए। तो ये देखिए, हम अच्छे से बिल्कुल अच्छे से धोना है मटन को, तो जितने भी इसके अंदर कीटाणु होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमने मटन को धो रहे हैं, लगभग 4-5 बार अच्छे पानी में से निकालना चाहिए इसको, तभी हमारा मटन साफ़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कुकर लिया है, कुकर के अंदर हमने लगभग 4 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डाला है। सरसों के ऑयल से मटन बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो ये देखिए, हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनकर रेडी होने वाला। हमारे वीडियो में लगातार बने रहें, मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगी इस मटन की रेसिपी में। तो ये देखिए, मैंने मटन को अच्छे से धो लिया है, बिल्कुल साफ़ कर लिया। आप देख पा रहे होंगे मटन हमारा साफ़ हो चुका है, इधर हमारा ऑयल भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, डाल के देखते हैं कि प्याज हमारा अच्छे से बबल सूट रहे हैं तो इसका मतलब ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और प्याज को हम लगभग 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम ही है, तो मीडियम फ्लेम पर प्याज को अच्छे से पकाएंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। प्याज हमारे पक जाएंगे तब खुशबू आने लगती है अच्छी सी। तो ये देखिए, प्याज हमारे पक रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें प्याज पकाने हैं। थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाए तब तक हमें प्याज पकाने हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च, सॉरी हरी मिर्च डालेंगे, जो हमने कट करके रखी थी वो डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने हरी मिर्च डाल दी है और हरी मिर्च को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। हरी मिर्च को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि मटन के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। तो ये देखिए, प्याज और हरी मिर्ची हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट मटन बनाते टाइम थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लहसुन के पेस्ट से। तो ये देखिए, लहसुन को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। ये हमारा लहसुन अच्छे से मिक्स हो रहा है और इसको भी हम लगभग 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो ये देखिए, हमारी तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और बिल्कुल परफेक्ट रेडी भी हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे मटन, जो हमने धोकर बिल्कुल तैयार कर रखा था। तो ये देखिए, हम इसके अंदर मटन डाल देंगे। आपको एक बात बता देती हूँ कि आप कमेंट में बोलते हो कि मसाला ज़्यादा है, तो मसाला आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, जितना आपको पसंद है। मैं तो मटन के हिसाब से जो मेरी फैमिली को पसंद है वही इसके अंदर डालती हूँ। आप मसाला मिर्च वगैरह कम कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है तो, और ज़्यादा भी कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा ये तरीका बिल्कुल सबसे अलग है और इससे बहुत ही अच्छा मटन बनकर रेडी होता है। तो ये देखिए, हमने पूरा मटन इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। लगभग 5-6 मिनट तक हमें मटन को फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि मटन हमारा लग रहा है कुकर के, तो आप गैस का फ्लेम मीडियम भी रख सकते हो, लेकिन मैंने अब यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई रख रखा है और लगभग इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे।
तो ये देखिए 5 मिनट तक हमें बिल्कुल चमचे से अच्छे से हिलाते रहना है इसको। ये मेन स्टेप है मटन बनाने का, सबसे मेन स्टेप यही है कि हमें फ्राई करते टाइम बहुत ही ध्यान रखना है कि एक तो हमें छोड़ना नहीं है इसको, वरना जो नीचे का मटन है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा और ऊपर का कच्चा रह जाएगा। तो हमें चम्मच की सहायता से इसको मिलाते रहना है। और आप देख पा रहे होंगे हमारे मटन का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो ये देखिए हमारे मटन का जो कलर है वो बिल्कुल अच्छा सा आ गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और मटन है वो टाइट टाइट हो जाता है, जब मटन हमारा फ्राई हो जाता है तब मटन टाइट हो जाता है। तो ये देखिए सभी पीसेज अच्छे से टाइट हो गए हैं। और मसाले के अंदर ऑयल और प्याज टमाटर प्याज हरी मिर्ची के अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और इससे जब हमारा मटन फ्राई हो जाता है तो ये अपना फ्लेवर छोड़ देता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है इसमें। मटन फ्राई होता है तब बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखिए मटन फ्राई होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको पसंद है उतना ही नमक डालेंगे। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे नमक को, ताकि नमक से हमारा मटन है वो गल जाएगा। मटन को हमें वापस बता रही हूँ कि हमें 5-6 मिनट तक हाई फ्लेम पर मटन को फ्राई करना है, तभी मटन टेस्टी बनेगा। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बताएं, ज़रूर बनाएं अपने घर पे, अपनी फैमिली को खिलाएं और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमने नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी मैंने ज़्यादा ली है, यहाँ पे लगभग 1.5 छोटी चम्मच ली है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि जो हल्दी का टेस्ट और कलर है वो मटन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो ये देखिए मैंने हल्दी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप देख पा रहे होगे नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अच्छा सा कलर भी आ गया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है मटन के अंदर। अब हम इसके अंदर बाकी के सभी सूखे मसाले भी डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मैंने ये लाल मिर्च बिल्कुल रेड कलर वाली मिर्ची ली है, जो कश्मीरी मिर्च भी बोलते हैं उसको, वो ली है। और थोड़ी सी तीखी भी है ये, तो ये आप अपने हिसाब से डालो। ये मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो या फिर मेरे बताए अनुसार भी डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा मटन बनेगा, इससे ज़्यादा तीखी भी नहीं है। तो ये देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मटन का कलर बिल्कुल रेड आने वाला है क्योंकि मैंने मिर्ची पाउडर थोड़ा अलग लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च मैंने ऐड कर दी थी। तो आप देख पा रहे होगे हमारे मटन को हमने मिक्स कर दिया है, बहुत ही सुंदर कलर आया है, बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी हमारी, कलर भी बहुत अच्छा है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है, हमें मिक्स करते रहना है मटन बनाते टाइम। इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें मटन को छोड़ना नहीं है वरना चिपक जाएगा, तो हमें इसको मिक्स करते रहना है। अब हम इसके अंदर लास्ट में डालेंगे टमाटर, ताकि टमाटर पानी छोड़ दे और जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए टमाटर को भी हमने लगभग 2 मिनट तक, हर चीज़ को हमने 2-3 मिनट तक ज़रूर मिक्स किया है, तभी ये अच्छे से मिक्स होगी मटन में, क्योंकि मटन के पीसेस थोड़े बड़े होते हैं तो तभी ये अच्छे से मिक्स होती है इसके अंदर। तो ये देखिए हमारी सभी चीज़ें इसके अंदर हो चुकी है मिक्स, आप देख पा रहे होगे बहुत ही अच्छा कलर आया है, तो इसमें उबाल आने लग गया है। तो इधर हमने दूसरे गैस पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, हम ठंडा पानी नहीं डालेंगे, ठंडा पानी से मटन का टेस्ट ख़राब आता है, और हम गर्म पानी डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और मटन बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए मैंने लगभग इसके अंदर 1 लीटर पानी डाला है, पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितनी आपकी जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उतना पानी डाल सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो पानी। मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी डाला है क्योंकि हमारा मटन था 1.5 किलो और पानी डाला है हमने 1 किलो। तो ये देखिए पानी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमने पानी को मटन के अंदर और मसालों के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अभी हमने कुकर का ढक्कन बंद नहीं करना है, पानी को उबलने देना है वापस से मटन के अंदर वापस, तभी हमें इसका ढक्कन बंद करना है। तो ये देखिए हमारे सभी मसाले मटन और पानी बिल्कुल अच्छे से घोल चुके हैं, एक हो चुके हैं। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा सकते हैं क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दी हैं, आप देख पा रहे होगे।
बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनने वाली है। अभी हमें पकने से पहले ही अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो आप एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं मेरे तरीके से। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं और इसमें सीटी लगने देंगे हम। पांच पांच सीटी के बाद में हमारा मटन हम चेक कर लेंगे कि पका है नहीं, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं बता सकते कि 5 सीटी में बन जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ 5 सीटी लगवाएंगे इसके। तो ये देखिए, हमारी 5 सीटी लग चुकी हैं, 5 सीटी लग चुकी हैं, और हम गैस को बाहर निकाल देंगे। वैसे ये गैस अपने आप ही निकलनी चाहिए, लेकिन थोड़ी जल्दी है, तो मैं थोड़ा गैस को चम्मच से मैंने सीटी को उठा दिया था, और कुकर का ढक्कन हटा देते हैं। देखते हैं हमारा मटन रेडी हुआ है नहीं, थोड़ा सा चेक कर लेंगे। दूसरे बर्तन में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले तो। ये देखिए, हमारा मटन बन चुका है, और थोड़ा सा ट्राई भी कर लेते हैं कि बना है नहीं बना। तो ये देखिए, अब हमें लगता है कि थोड़ा सा कच्चा रह गया है। अब हम दोबारा इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसमें लगभग वापस 2 सीटी और लगने देंगे। 2 सीटी और लगने के बाद में हमारा मटन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा रेडी। तो ये देखिए, 2 सीटी लगने के बाद हमारा मटन है वो बहुत ही शानदार बनकर रेडी हुआ। आप देख पा रहे होगे, हमारे मटन का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही टेस्टी मटन बना है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके तो ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए, हमारा मटन है वो बहुत ही शानदार बना है, और कलर तो बहुत ही प्यारा आया है। मैंने ये बिल्कुल स्पेशल मटन बनाया है, गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। मटन को रेड कलर दिया है क्योंकि मैंने मिर्च में थोड़ा सा चेंज कर दिया था अब की बार। तो ये देखिए, हमारा मटन है, हम इसको अलग बर्तन में निकाल कर सर्व कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी मटन बना है। आप इसके अंदर चाहो तो गरम मसाला या फिर हरा धनिया ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, मैं वो ऐड नहीं करूँगी। वो सब आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि आप उसको ऐड करना चाहते हो नहीं। तो ये देखिए, हमारा मटन बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख पा रहे होगी। हमने अलग बर्तन में निकाल कर सर्व कर दिया है। बहुत ही कलर भी बहुत ही प्यारा सा आया है, और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है ये मटन। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा मटन बनता है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो जिसे, और बता भी सकते हो क्या कमी रह गई वो आप ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।